ओम शांति। तो बच्चों, आपको आज एक चोर और गाय की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान जी ने नारद जी से कहा कि आप तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए आप कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आप हैरान हो गए हों। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी अभी जंगल से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे वहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह चोर नहीं रुका, उल्टा उस गाय पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद आखिरकार उस साधु ने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान, अब आप ही बताइए ये कौन सा और कहाँ का न्याय है। भगवान जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जो हुआ वह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो उस दिन बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसको कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में तो उस दिन मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। भगवान जी की ये बात सुनकर नारद जी संतुष्ट हो गए। तो बच्चों, इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए। ओम शांति।